हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बड़ों का आदर भी करते होंगे। तो स्वागत है आपका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशन से। आज हम लेकर आए हैं पाठ 3, जिसका शीर्षक है लालची गांव वालों का इंतज़ार। बच्चों, ये एक बहुत ही रोचक कथा है और मैं आशा करती हूँ आप इस कथा को पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दिए गए चित्रों में ऐसे कौन से जीव हैं जो आकाश में नहीं उड़ सकते हैं? बॉक्स के अंदर रंग भरकर बताइए। बच्चों, ये आपका गृह कार्य होगा, आपको इसमें बताना होगा कि कौन से जीव आकाश में नहीं उड़ सकते हैं। देखो, बहुत सारे हैं, अब इसमें से आप बताना कि कौन से नहीं उड़ सकते और बॉक्स पे फिर कलर करना, इसके अंदर रंग भरना जो जीव नहीं उड़ सकते होंगे। पाठ प्रवेश। लालच एक ऐसा दुर्गुण या चरित्र का दोष है जो व्यक्ति को उसके असली लक्ष्य और मूल्यों से दूर ले जाता है। ये एक ऐसे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति को सदैव अधिक और अधिक चाहने पर मजबूर करता है। क्या लालच, जिसके कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देता है। लालच के चलते व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से भी दूरी बना लेता है और स्वार्थ की ओर अग्रसर हो जाता है। तो चलिए इस कहानी द्वारा इस विषय में विस्तार से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर सा गांव था। बच्चों, एक बहुत सुंदर सा गांव था। उस गांव का क्या नाम था? हस्तीपुर। हस्ती यानी हाथी। बहुत समय पहले वहाँ एक दयावान और धनवान राजा राज करता था। उसे हाथी बहुत प्रिय थे, इसलिए वह हाथियों को खरीद कर लाता, क्योंकि राजा को हाथी बहुत पसंद थे, तो वह हाथी खरीद कर लाता, उनकी सेवा भी करता। जब कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर आक्रमण करता तो उसके बलवान हाथी शत्रुओं की सेना को कुचल डालते। इसलिए उसने खुश होकर अपने राज्य के सबसे बड़े गांव का नाम क्या रखा? हस्तीपुर। किसके नाम पे रखा? हाथियों के नाम पे। और वहाँ चारों तरफ केले के पेड़ लगवाए थे। आज भी वहाँ चारों ओर केले के पेड़ थे। वहीं सोनू नाम का एक किसान भी रहता था, ठीक है। उसका भी अपना एक छोटा सा खेत था। उसका खेत बहुत छोटा था, तो खेत छोटा होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी। क्योंकि उसका खेत छोटा था, इसलिए पूरे गांव में सोनू ही सबसे गरीब फल वाला था। अपने खेत के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। सोनू कड़ी मेहनत से अपने छोटे से खेत में केले के पेड़ उगाता और शहर में बेचकर जो भी रुपया पैसा मिलता उससे साल भर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता। कभी कभी तो घर में अनाज खत्म हो जाने पर उसे किसी जमींदार से सहायता भी मांगनी पड़ती। इस बार उसने बहुत कड़ी मेहनत करी, इस कारण सोनू के खेत में बहुत अच्छे और मीठे केले पककर तैयार हो गए। इस बार गांव के सभी किसानों और दुकानदारों ने भी उसकी बहुत तारीफ करी। उसी रात वहां एक उड़ने वाला हाथी आया। उसने सोचा, ये गांव मेरे नाम पर है और यहाँ बहुत सारे केले भी हैं। लगता है ये केले मेरे खाने के लिए ही लगाए गए हैं। यह सोचकर उसने कुछ केले खा लिए और फिर उड़कर कहाँ चला गया? आसमान में गायब हो गया। कौन गायब हो गया बच्चों? उड़ने वाला हाथी। इधर सोनू मन ही मन खुश हो रहा था कि अगले दिन केलों के बदले धन से अपने टूटे हुए घर की मरम्मत करवाएगा। लेकिन जैसे ही अगली सुबह सोनू अपने खेत पर पहुंचा तो क्या हुआ? उसके होश उड़ गए। किसी ने उसके बहुत सारे केले खा लिए थे। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसे गांव वालों पर शक हो गया, लेकिन वह समझदार था। उसने मन में सोचा, गांव वालों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, अब बचे हुए आधे केले भी बेचकर गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगली सुबह और भी केले गायब थे। अब थोड़े से केले ही बचे थे। इतनी बर्बादी वह नहीं सह सकता था, क्योंकि देखो बच्चों, पहले उसके थोड़े से केले
गायब हो गए, और अगली सुबह और भी सब केले गायब हो गए। अब उसके पास बहुत ही थोड़े से केले रह गए, तो अब इतनी बर्बादी तो वो नहीं सहन कर सकता था। तो क्या किया सोनू ने, सोनू ने निश्चय किया कि अब से वह रात भर अपने खेत की निगरानी करेगा। क्या करेगा, निगरानी करेगा, देखेगा रात भर, चौकीदारी करेगा अपने खेत की कि कौन आ रहा है। उसी रात से उसने अपने घर की खिड़की से खेत की निगरानी करनी शुरू कर दी। अचानक उसने देखा कि आकाश में एक छोटी सी वस्तु धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बड़ा आकार लेती जा रही है और धरती की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य के मारे सोनू की आंखें खुली की खुली रह गई। देखते ही देखते वह एक उड़ने वाले हाथी के रूप में बदल गया और तेजी से उसके खेत की ओर बढ़ने लगा। अब वह समझ गया कि यही है वह चोर जो उसके केलों को खा रहा है। सोनू धीरे धीरे अपने खेत की ओर बढ़ा और उड़ने वाले हाथी को केले खाते हुए देखने लगा। उसने सोचा आज इसका रहस्य जानकर रहूंगा। जैसे ही केले खाकर हाथी आकाश में उड़ने लगा, सोनू ने झट से उसकी क्या करा, उसकी पूंछ पकड़ ली और उड़ते उड़ते वह भी स्वर्ग में जा पहुंचा। उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुंचकर सारी बात बताई। सोनू की बात सुनकर राजा इंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा अब यह हाथी पुनः तुम्हारे खेत में केले खाने नहीं जाएगा, और तुम चाहो तो अपने केले के नुकसान के बदले मेरे राज्य से कुछ लेके जा सकते हो। सोनू को दयावान इंद्र के न्याय पर खुशी हुई। वह कुछ हीरे मोती लेकर अपने धरती पर लौट आया। कुछ ही दिनों में सोनू ने एक बड़ा मकान बना लिया। अब उसका घर उस गांव में सबसे बड़ा और सुंदर था। सोनू फल वाले की इस बदली हुई हालत देखकर गाँव वालों को ईर्ष्या होने लगी, मतलब उन्हें जलन होने लगी। उन्होंने उसकी पत्नी से इसका रहस्य जानना चाहा। उनके प्रश्नों से परेशान सोनू की पत्नी ने क्या किया, सारी कहानी बता दी। किसको बताई, गांव वालों को। गांव वालों ने यह निश्चय किया कि उस उड़न हाथी को दोबारा इस धरती पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। सबने मिलकर केले के खूब सारे पेड़ लगाए। वे रोज छुपकर हाथी का इंतजार करते। केले पक जाने के बाद एक दिन अचानक फिर उड़ने वाला हाथी आया और केलों को आनंद लेकर खाने लगा। कुछ देर बाद जब हाथी ने भरपेट केले खा लिए और उड़ने लगा, तभी एक छुपे हुए पहलवान ने लपक कर हाथी की पूंछ पकड़ ली और एक के पीछे एक कई गांव वाले एक दूसरे के पैर पकड़कर लटकने लगे। हाथी तेजी से आकाश की ओर उड़ रहा था। ये देखो चित्र में, ये देखिए हाथी उड़ रहा है और पहलवान ने पूंछ पकड़ ली और उसके पीछे पीछे सारे गांव वालों ने भी एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो उड़ते हुए सभी गांव वाले आपस में स्वर्ग से कौन कितना धन लेकर लौटेगा इस बारे में बातें करने लगे। किसी ने कहा एक डिब्बा, किसी ने कहा एक बोरी। सबसे ऊपर जिस पहलवान ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई थी, उसने क्या किया, जब उसको बताने की बारी आई तो उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर जाऊंगा। और क्या हुआ, बस फिर क्या था, सारे के सारे धड़ाम से धरती के ऊपर आ गिरे, क्योंकि उसका तो हाथ छूट गया था। उसने बोला इतने सारे और दोनों हाथ छोड़ दिए और वो सारे के सारे धरती पर आ गिरे। उन्हें अपनी मूर्खता और लालच का फल मिल चुका था। सभी अपना सिर पकड़कर आकाश की ओर ऊपर देखने लगे और आज भी उस गांव के लोग सालों साल उस अनोखे हाथी का इंतजार करते रहते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कथा, लगी ना मनोरंजक, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आशा करती हूँ आपको भी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कर रहे हैं कठिन शब्द। आक्रमण, बर्बादी, ईर्ष्या, मुश्किल, निश्चय, रहस्य, जमींदार, निगरानी, मूर्खता, तारीफ, स्वर्ग, मरम्मत और राज्य। और अब है शब्दार्थ। दयावान का अर्थ है दयालु,
धनवान का अर्थ है जिसके पास धन हो, आक्रमण यानी हमला करना, बलवान का अर्थ है ताकतवर, मरम्मत का अर्थ है किसी टूटी हुई वस्तु को ठीक करना, बर्बादी का अर्थ है खराब, निगरानी यानी देखरेख करना, पुनः यानी दोबारा, रहस्य का अर्थ है कोई छिपी हुई बात, और ईर्ष्या करना यानी चिढ़ना। और इसके बाद क्या पूछा है हमसे, इसके बाद इन्होंने पूछा है गांव का क्या नाम था। बच्चों गांव का नाम था हस्तीपुर। सोनू के घर में कौन कौन था? सोनू के घर में सोनू की पत्नी, सोनू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा था। सोनू अपने खेत में किसके पेड़ उगाता था? सोनू अपने खेत में केले के पेड़ उगाता था। स्वर्ग पहुंचकर सोनू ने किसे सारी बात बताई? स्वर्ग पहुंचकर सोनू ने स्वर्ग के राजा इंद्र को अपनी सारी बात बताई। सोनू धरती पर क्या लेकर लौटा? सोनू धरती पर कुछ हीरे और मोती लेकर लौटा था। गांव वालों को रहस्य किसने बताया? बच्चों गांव वालों को रहस्य सोनू की पत्नी ने बता दिया था। और अब है सही विकल्प पर, हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है गांव का नाम था, गांव का नाम था हस्तीपुर, रामनगर, हाथीपुर या गजपुरा। गांव का नाम था हस्तीपुर। राजा को बहुत प्रिय थे, क्या प्रिय थे? केले, राज्य, हाथी या धन। राजा को बहुत प्रिय थे हाथी। सोनू ने खेत में पेड़ लगाए केले के, अनार के, आम के या नींबू के। सोनू ने खेत में पेड़ लगाए केले के। सोनू ने स्वर्ग जाकर सारी बात बताई, किसको? अप्सरा को, इंद्र को, हाथी को या राजा को? सोनू ने स्वर्ग जाकर इंद्र को सारी बात बताई। और अब हम चल रहे हैं आगे। किसने कहा मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊंगा? ये किसने कहा? ये कहा था सबसे ऊपर जो था पहलवान, ये कहा था पहलवान ने, मैं तो इतने सारे हीरे मोती लेकर आऊंगा। अब बचे हुए आधे केले बेचकर ही गुजारा करना होगा, ये किसने कहा था? ये सोनू ने अपने आप बोला था जब उसके आधे केले हाथी खा चुका था। लगता है ये केले मेरे खाने के लिए ही लगाए हैं, ये किसने बोला था? ये बोला था उड़न हाथी, यानी उड़ने वाले हाथी ने जब देखा तो ये उड़न हाथी ने बोला था। अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह। सबसे पहले है हस्तीपुर गांव में दयावान और धनवान राजा राज करता था, जी हाँ बिल्कुल सही। राजा को हाथी प्रिय थे, जी हाँ राजा को हाथी प्रिय थे। गांव का नाम हस्तीपुर केलों के कारण पड़ा, जी नहीं, गांव का नाम हस्तीपुर केले नहीं बल्कि हाथी के कारण पड़ा था, तो ये गलत है। सोनू बहुत मेहनती था, जी हाँ। गांव में उड़न हाथी आया, जी हाँ गांव में उड़न हाथी नहीं आया, वो खेत में आया था उड़न हाथी, तो गांव की जगह खेत में आया था, तो ये भी गलत है। और अब हम चल रहे हैं आगे। और अब है कहानी के वाक्यों को 1 से 8 के क्रम में लगाइए। सबसे पहले पहलवान ने लपक कर हाथी की पूंछ पकड़ ली। उसके बाद है सोनू ने रात भर अपने खेत की निगरानी की। फिर है गांव वालों ने मिलकर खूब सारे पेड़ लगाए। फिर है सोनू ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली। फिर सोनू अपने छोटे से खेत में केले के पेड़ उगाता। कुछ ही दिनों में सोनू ने एक बड़ा सा मकान लिया। फिर आज भी गांव वाले उस अनोखे हाथी का इंतजार करते रहते हैं। और आखिर में हाथी ने केले खाए और उड़कर आसमान में गायब हो गया। तो हमने इनको सीक्वेंस में लगाया है क्रम में। सबसे पहले सोनू अपने छोटे से खेत में केले के पेड़ उगाता, तो इसको हमने दे दिया नंबर 1। उसके बाद है नंबर 2, सोनू ने रात भर अपने खेत की निगरानी की, ये हो गया नंबर 2। उसके बाद है नंबर 3, सोनू ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली, ये हो गया हमारा नंबर 3। और उसके बाद है हाथी ने केले खाए और उड़कर आसमान में गायब हो गया, ये हो गया नंबर 4। और फिर है कुछ ही दिनों में सोनू ने एक बड़ा सा मकान ले लिया, ये हो गया नंबर 5। और फिर गांव वालों ने मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाए, नंबर 6। और उसके बाद है पहलवान ने लपक कर हाथी की पूंछ पकड़ ली, नंबर 7। और आखिर में आज भी गांव वाले उस अनोखे हाथी का इंतजार करते हैं, ये कौन सा नंबर हो गया? नंबर 8। तो इस तरह से हमने कहानी के वाक्यों को 1 से 8 के क्रम में लगा दिया। और अब हम चलते हैं आगे। और अब है
दी गई तालिका में मुख्य घटनाओं को सबसे पहले, मध्य और अंत में लिखो। सबसे पहले क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ और अंत में। तो हमने, क्योंकि यहाँ पर इतना स्थान नहीं है, तो हमने इसके जो नंबर था ग ख ना, उसके हमने उनको हमने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे पहले ड में जो लाइन थी वो है, फिर ख है, फिर घ है। मध्य में जो हुआ उसके नंबर जो था ज, च और ज, और अंत में क्या हुआ था, अंत में जो नंबर क है वो, और उसके बाद छ। तो इस तरह से हमने इस कहानी की मुख्य घटनाओं को इस तरह से हमने इसमें पिरो दिया। अब क्या है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है, सोनू सबसे गरीब फल वाला क्यों था? बच्चों, सोनू सबसे गरीब फल वाला क्यों था? क्योंकि उसका खेत सबसे छोटा था, गांव में सबसे छोटा खेत उसका था, इसलिए उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, इस वजह से वो बहुत गरीब था। सोनू ने रात भर जाकर अपने खेत की निगरानी क्यों की? सोनू ने जाकर रात भर इसलिए निगरानी की क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब वो उठा तो उसके बहुत सारे केले जो थे वो कोई खा गया था, उसके केले बहुत कम रह गए थे। और अगले दिन फिर वही बात हुई, अगले दिन जब वो उठा तो फिर उसके खेत से केले और ज़्यादा कम हो गए, तो इसलिए उसने सोचा अब मुझे चोर का पता करना ही पड़ेगा। इस वजह से उसने अपने खेत की रात भर निगरानी करी। सोनू स्वर्ग से हीरे मोती क्यों लेकर आया? सोनू जब स्वर्ग में पहुंचा तो महाराजा इंद्र को उसने अपनी सारी बात बताई और महाराजा इंद्र ने कहा तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम इसके बदले जो तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम यहाँ से हीरे मोती लेके जा सकते हो, तो इसलिए वो हीरे मोती लेकर आया। गांव वालों को सोनू से ईर्ष्या क्यों होने लगी? क्योंकि गांव में उसका मकान जो था अब सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मकान था, इसलिए गांव वालों को उससे ईर्ष्या होने लगी। गांव वालों ने खूब सारे केले के पेड़ किसके लिए लगवाए और क्यों? जब गांव वालों ने देखा कि सोनू जो है इतने सारे हीरे और मोती लेकर आया है स्वर्ग से, तो उन्होंने भी नकल करी और उन्होंने भी अपने खूब सारे गांव खेत में केले लगवाए, जिससे कि हम भी ऐसा कर सके, हम भी स्वर्ग जाएं उड़न हाथी के साथ और हम भी वहां से बहुत सारे हीरे मोती और बहुत सारा सामान लेकर आए। तो इस वजह से गांव वालों ने भी खूब सारे केले के पेड़ लगाए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये रोचक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस कथा के माध्यम से आपने कुछ शिक्षा भी ली होगी, कुछ सीखा भी होगा। क्या? कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने परिश्रम पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंत जो होता है वो बुरा होता है। तो इसके साथ हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।